दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? और तो और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी और लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में 2050 कैसा होगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त इब्राहिम और आप देख रहे हैं 0.3 एक्समैन। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकोनॉमी को देख लेना बेहद जरूरी है। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका होगा। आज भारतीयों की महीने की औसतन आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं अगर 2050 की बात करें तो एक भारतीय की औसतन आय आज से लगभग 3 गुना ज्यादा होगी। वैसे तो इंडिया में हर किसी का सपना होता है कि पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी करे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2050 तक लगभग सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेट करने का ऐलान किया था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन परचेसिंग पावर जो अभी 11 ट्रिलियन डॉलर है, वही 2050 तक बढ़कर 44 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड GDP का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा। लेकिन इस मुकाम को पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने के लिए सरकार को देश में वेल्थ गैप कम करना होगा और तो और इकोनॉमिक्स पॉलिसी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि 2050 में पेपर करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। सीधे भाषा में बोले तो इंडिया पूरी तरह से कैशलेस इंडिया बन जाएगा। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने RUPI डिजिटल वॉचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसे सभी सर्विस को पे करने में कर सकते हैं। आने वाले 30 सालों में और भी कई डिजिटल करेंसियां इंडिया में एंट्री करने वाली हैं। जहां आज कई लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं, वहीं 2050 तक पूरी तरह से डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। डिजिटल पेमेंट करना एक आम बात बन चुका होगा। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट्स करना और भी आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। वहीं अगर शहरों की बात करें तो वैसे तो आज के समय में बड़े शहरों में ही बड़े बड़े बिल्डिंग और इमारत देखने को मिलते हैं, पर आने वाले समय में 100 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे और ग्रामीण इलाकों का नामो निशान मिट चुका होगा। जहां बुर्ज खलीफा जैसी लंबी लंबी गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जैसे देशों में जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपोलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगा। कम जमीन, ज्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, फर्नीचर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएगा, जिन्हें कहीं पर भी मोड़कर रखा जा सकेगा। और तो और जहां में खाना बनाना बोझ लगता है उससे भी निपटारा मिल जाएगा, क्योंकि कुकिंग में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए 2050 तक पैकेट फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे सिर्फ घर जाकर तलना या भुनना होगा, जिससे कि काफी सारा टाइम बचाया जा सकेगा। वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे हैं। भारतीय ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए इस समय 10 से ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों की दूरी को और ज्यादा कम करेगा। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की भी संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलोन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या, तो आपको बता दें कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बनाया जाता है जिसमें हवा का प्रेशर बिल्कुल कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। पर 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी होगी, इस पर अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशकों के बाद 2015 में देश के मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया था, पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2023 तक खत्म होना था। लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट के ढीलेपन को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू हो पाएगी या नहीं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ड्राइवरलेस व्हीकल जल्द ही भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 2050 में भारत की सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और बसें होंगी। ऐसे में भारत के पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2050 तक 80% व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल व्हीकल की जगह ले लेंगे। और तो और, भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका होगा। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं हर देश का एक ही मूल मात्र होगा, टाइम इज मनी। और हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर आधारित होगी और आज के टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगा। इंडिया में इस साल 5G ने एंट्री ली है, लेकिन 2050 तक 8GB आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई ज्यादा फास्ट होगा। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एक आम बात बन चुका होगा। जापान में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेजेस को रोका जा सकता है। एलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरोलिंक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा। कंप्यूटर इंसानों की माइंड को रीड और स्कैन कर पाएगा। 2050 तक ये टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों तक भी पहुंच जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कई बीमारियों का इलाज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। भारत में भी धामपुर सुग्रा मिल्स, PFI और धिक्सन सहित 10 से ज्यादा टेक कंपनियां काम कर रही हैं। जहां आज के समय में हम बड़े बड़े स्मार्टफोनों का यूज करते हैं, वहीं 2050 तक इन बड़े बड़े स्मार्टफोनों का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोनों की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट और स्मार्ट वॉचेस में बदल जाएगी। कंप्यूटर वर्जन स्मार्ट न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया नेटवर्क जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सर्विस में शामिल हो चुका होगा और कार बाइक जैसे व्हीकल्स 3D प्रिंटिंग मशीन द्वारा बनाए जाएंगे। इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीनों को डेवलप करेगा, जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम करना पॉसिबल होगा। और तो और, अस्पताल में ह्यूमंस डॉक्टर से ज़्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। वहीं 2050 तक इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका होगा कि जहां दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं, वहीं इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशनों को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान और सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोल देगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी स्पेस पर वर्क कर रही है, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लेनेट पर लाइफ संभव हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही है। इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री करने का रोड मैप तैयार कर रहा है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर्स को 7 डेज के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो ये सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन करेगा, जिसकी मदद से एक आम आदमी भी स्पेस का टूर कर पाएगा। भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपने एजुकेशन पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे, जिससे बच्चों को खुद का बिजनेस करने में मदद मिलेगी। और तो और, कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। टेक्नोलॉजी मॉडल इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के कोर्स की एंट्री होगी। 2050 में नोटबुक और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिले, क्योंकि भारत के स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है।
और जल्द ही बुक्स और नोटबुक की जगह आईपैड जैसे डिवाइस के जरिए स्टूडेंट अपना वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेजेस की एंट्री हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर हो जाएगा, पर ये कैसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। और वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटल हो जाए तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट कहाँ से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाना है तो स्कूल में पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसके साथ साथ भारत को शक्तिशाली देश बनाना है तो डिफेंस पावर पे भी काम करना होगा। वैसे तो हमारे भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं, पर आने वाले सालों में वॉर हथियार से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ाई जाएगी, और इसकी तैयारी भारत ने शुरू भी कर दी है। भारत इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है, और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोट्स भी होंगे, जिससे जंग में जान जाने का खतरा जीरो हो जाएगा। इंडिया ने भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो स्ट्रीम की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टैंक डिपार्टमेंट पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इजराइल की फेमस X95 राइफल की टेक्नोलॉजी भी भारत इजराइल से खरीद चुका है, और अब ये राइफल भारत में ही बनेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन चुका होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वर्कफोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगा। हाई परचेसिंग पावर की वजह से दुनिया की मोस्ट ऑफ द मेन्स कंपनी के ऑफिस इंडिया में होंगे। बिजनेस लीडर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की 75% कंपनी की इन्वेस्टिंग लिस्ट में भारत का नाम टॉप पर है। वर्ल्ड के टॉप 15 कंपनीज के CEO इंडियन है, और आने वाले सालों में ये नंबर और भी ज्यादा बेटर होने वाले हैं। ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसी मिले, जिस पर अभी हमारे देश को बहुत सारा काम करना बाकी है। और आने वाले समय में कई पुराने जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेटर की भी जरूरत ना पड़े। और तो और गाड़ियां भी ऑटोमेटिक होगी तो ड्राइवर्स की जॉब कई हद तक कम हो जाएगी। और इतना ही नहीं, रोड पर एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम हो जाएगी क्योंकि गाड़ियों में सेंसर लगे होंगे। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को सच होता देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए और वोट जरूर दें, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा लीडर चुन सकें। क्योंकि जब हमारे पास एक अच्छी सरकार और अच्छा लीडर होगा, तभी तो हम इस वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 पर होंगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भविष्य का भारत पसंद आया या आपको आज का इंडिया ज़्यादा पसंद है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।